मेरा नाम शकीला खातून है, मैं बिहार अरेरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं खुद नर समुदाय से हूँ, मेरा बीए फाइनल हो चुका है और अभी एमएसडब्ल्यू के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ नागपुर में। मेरा जो पेपर है वो नट जाति पे है और इसका टाइटल है हम नट नहीं है। तो उस पेपर पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये नट जाति क्या है, इनकी इतिहास क्या थी और वर्तमान में ये क्या है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। विश्व के लगभग 53 देशों में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सिर्फ भारत में लागू किया गया था। 1871 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच इस एक्ट ने 198 घुमंतू जाति को अपराधी घोषित कर दिया था। भारत की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की धारणा यह थी कि जिस तरह से भारत में जातिगत व्यवसाय होती है, जैसे बढ़ई का लड़का बढ़ई होता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है और लोहार का लड़का लोहार होता है, उसी तरह से एक अपराधी की संतानें अपराधी ही होंगी। भारत की लड़ाकू जातियों की संतानों को भी अनिवार्य रूप से जन्मजात अपराधी मान लिया गया था। 198 घुमंतू जातियों में से एक नट समुदाय भी थी। बिहार में नट समुदाय जो दो रिलीजन में बांटा गया है, जो एक हिंदू नट समुदाय है जो एससी में आते हैं और जो दूसरा है वो मुस्लिम नट समुदाय है जो ओबीसी वन में आते हैं। बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 से 25 गांव है जहां नट समुदाय मुस्लिम नट समुदाय, जिसमें से मैंने 5 गांव का ये फील्ड विजिट करी हूं और जो नरपतगंज ब्लॉक और फारबिसगंज ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये जो मैंने 5 गांव का जो मैंने फील्ड विजिट करी है, जो फर्स्ट नंबर पर बसमतिया है जहाँ की आबादी 150 है। यहाँ मैंने नट जाति से 3 महिला और 7 पुरुष और 5 अन्य जाति के लोगों से बात करी, यानी नर समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करी। और दूसरा नंबर पे खवासपुर है जिसका आबादी 200 है लगभग। वहाँ पर मैंने 1 मेल, 7 फीमेल और 2 अदर कास्ट के लोगों से मैंने बात करी। और तीसरा है अमोना पंचायत जिसके ऊपर मैं पेपर लिखी हूँ, वहाँ की आबादी लगभग 3000 है। वहाँ पे मैंने 8 मेल, 5 फीमेल और 3 अदर कास्ट के लोगों से मैंने बात करी। और चौथा है दोलजा पंचायत जहाँ 700 आबादी है लगभग, वहाँ मैंने 2 मेल, 7 फीमेल और 2 अदर से मैंने बात करी। और पांचवा है भाग कोलिया जहाँ 1500 आबादी है, वहाँ पे मैंने 7 मेल, 12 फीमेल और 3 अदर ब्रांच से मैंने बात करी। और मैंने जो बात करके जानकारी प्राप्त करी वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार मैं 5 गांव का फील्ड विजिट की। भूतकाल में मुस्लिम नर समुदाय का काम वर्तमान काल से काफी अलग था। पहले ये सांप, बंदर, भालू का नील और प्लास्टिक का ये फूल बनाकर बेचती थे, लेकिन सरकार ने अब इसको बैन लगा दी है जिसके कारण उसका रोजगार उनके हाथ से चला गया। और न चाहते हुए भी काफी जगह ऐसा है जहाँ नट समुदाय को देवे पाठ में जाना पड़ा। साल 1947 में ईस्वी में देश आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के 5 साल बाद साल 1952 ईस्वी में इस एक्ट को हटा दिया गया, परंतु समाज में आज भी इस मुस्लिम नर समुदाय के प्रति वो दूसरे कास्ट का नजरिया वैसा ही है। अभी भी इनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला। मुस्लिम नर समुदाय का कहना है कि हमारे रोजगार पर तो सरकार ने बैन लगा दी और 5 गांव में हमें कोई गांव में हमें कोई मजदूरी पर रखना नहीं चाहते। अगर रखते भी हैं हमें 15 मजदूर बना के रखते हैं और जो अन्य मजदूर हैं उनकी तुलना में हमें कम मजदूरी मिलती है। हमारे साथ काफी भेदभाव होते हैं, जैसे कि अन्य मजदूरों को बर्तन में देते प्लेट में खाना खाने को, हमें बकरी में देते और उससे दूर बैठा करके। उनका जो ग्लास होता है पानी पीने का उसमें हम पानी भी नहीं पी सकते ना उसके साथ साथ हम बैठ कर खा सकते हैं। ढोलबच्चा पंचायत जो मैंने बताई वो अररिया डिस्ट्रिक्ट फारबिसगंज ब्लॉक में आते हैं। वहां से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो समुदाय है उनके अंदर ना कोई आंगनबाड़ी है, ना प्राथमिक स्कूल है, ना मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल की तो बाकी छोड़ दो, जब ये नहीं तो हाई स्कूल कहां से होगी। दूसरे समुदाय में अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ अनेक प्रकार के जातिगत भेदभाव होते हैं। शिक्षक उन्हें गंदे नजर से देखते हैं जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। तीसरा जो था खवासपुर पंचायत था, वहां जब मैंने बात करी वहाँ अधिकतर यानी पुरुष घर पे नहीं रहते हैं, महिलाएं होती है क्योंकि पुरुष वो रिक्शा चालक है वो बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने मुझे बताई कि पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए नहीं है, अगर पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए होती स्कूल में शिक्षक हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते। चोरी कोई और करते हैं
इल्जाम हमारे बच्चों पे लगता है और बेकसूर में भी हमारे बच्चे मार खाते हैं। अगर जहाँ इतना कुछ होता हो वहाँ हम लोग भी शायद अपने बच्चा को नहीं भेजेंगे। अब मैं अमोला पंचायत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने पेपर लिखी है। वहाँ की आबादी लगभग 3000 है। यहाँ मैंने 16 से 25 वर्ष की जो महिला है उसका मैंने पर्सनल इंटरव्यू ली। वो जिसका मैं इंटरव्यू ली उसका संख्या 26 था जिसमें से 18 पढ़ी लिखी थी और 8 नहीं पढ़ी थी। ये 8 की संख्या जो नहीं पढ़ी थी वो ये महिला थी जो दूसरे गांव से शादी करके इधर आती है, वो थी जो नहीं पढ़ी थी। बल्कि अमोना की जो 18 है वो सारी पढ़ी लिखी, जिसमें से मध्य विद्यालय में जो मिडिल स्कूल है उसमें 6 लड़की पढ़ रही है और 10th में 3, BA 4 कर रही है। 3 महिला वहाँ की टीचर है और जो एक जीविका ग्रुप होता है उस ग्रुप के CM 2 महिला है वहाँ की। अमोना गांव में मैंने जो बदलाव देखी फील्ड विजिट के बाद मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। फील्ड विजिट करने के बाद मुझे पता चला अमोना पंचायत के मुस्लिम नर समुदाय के 80% बच्चे स्कूल जाते हैं। बाकी जो मैंने 4 गांव में जाके फील्ड विजिट करी वहाँ पे जो भी सर्वे करी वहाँ के लगभग 10% बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। ये काफी सोचने वाली बात है। अमोना पंचायत के मुस्लिम नर समुदाय के रहन सहन में काफी बदलाव है। जैसे वहाँ के लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनते, बाकी जो नर समुदाय होता है वो बहुत छोटी जाति होती है, वो अस्थायी रूप से जगह रहते भी नहीं, बहुत जगह यहाँ से वहाँ जाते हैं, उनके घर पे साफ सफाई नहीं होती है, वो गंदे कपड़े पहनते हैं। पर अमोना पंचायत में ऐसा नहीं था, वो साफ सुथरे कपड़े पहन अपने घर के आस पास की सफाई भी रखते थे और वहाँ के सभी बच्चे स्कूल भी जाते थे। महिला ग्रुप, वो मैंने जीविका ग्रुप बताई, उस ग्रुप के अंदर वो पैसा जमा करती है और एक जगह पैसा होने के बाद वो जानवर खरीदती है, उसको पाल करके फिर बेचती है, जिसकी उनका आर्थिक स्थिति और मजबूत होती जा रही है। वहाँ के जो पुरुष है वो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, राजमिस्त्री करते हैं और अच्छे से गौरव रखते हैं। अब जो वो लोग बोलता है कि मैं नट नहीं हूँ उसके बारे में मैं बताती हूँ। मैं जब फर्स्ट दिन उसके गांव गई, जब मैं अमोना पंचायत फील्ड विजिट में गई तो वहाँ के लोग नट समुदाय के नाम सुनकर मुझ पर सब भड़क गए। खुद को आश्चर्य लगा मुझे कि ये लोग अपनी जाति के लिए इतना क्यों ये कह रहे कि हम नट नहीं है। कुछ देर शोरगुल होने के बाद एक सत्तार नाम का आदमी उसी गांव का था, उसने आया कि दीदी आप चले जाओ मेरे गांव से वरना आपका क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, प्लीज आप नर जाति के नाम से मेरे गांव में मत आओ। वो कुछ देर के लिए मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं नई जगह कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, अच्छे से बात नहीं करते तो खुद को बुरा लगता है और मैं पहले कभी काम नहीं करी, फर्स्ट बार गई थी इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर मैं सोची, मैंने बुरा लगा पर वो लोग मैं कुछ नहीं बोली, खुद में गिल्टी फील कर रही थी लेकिन कि मैं उसके पास सोची कुछ तो तकलीफ है इन लोगों के बीच। तब भी खुद की जाति से इतना नफरत कर, अगर कोई ब्राह्मण उसके जगह आ जाता है तो वो तो बड़े गर्व से कहेगा आई एम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, उस जगह तो हम भी तो नाट कर सकते कि हम नट हैं। फिर नट जाति से इतना नफरत क्यों, कुछ तकलीफ है तब तो नफरत है। मैं शाम हो गया, फिर उन लोगों से बात करते करते मैं घर आ गई। घर आने के बाद काफी सोची, मैं अपनी फैमिली में बताया, सबने मुझे जाने को मना किया, फिर भी मैंने ठान ली कि जब उस गांव में इतना हुआ तो मैं फिर से जाऊंगी। मैं मॉर्निंग नाश्ता करी, 8 बजते बजती मैं उसके गांव पहुंची। वो सत्तार नाम का आदमी फिर आ गया है, बोलता है कि दीदी आपको बड़ी ढील हो, इतनी जिल्लत होने के बाद फिर से मेरे गाँव आ गए। मैं बोली भाई आपको जो बोलना है बोल लो, पर जब तक मैं आप लोग से पूरा बात नहीं कर लेती हूँ मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और ये सुनने के बाद वहाँ के लोग थोड़ा शांत हुए। फिर हम क्या किए, सबको एक ग्रुप में बिठाए, फिर उसके बाद उनसे जानकारी यानी पूछने लगे कि अगर आप लोग को खुद की जाति से इतना नफरत क्यों, हम भी तो नट हैं, हमें नहीं अपने नट जाते तो हम सबको बोल दी कि हम नट हैं। तो फिर उस लोगों ने बताया अपना जो प्रॉब्लम बताया मुझे, वो इस प्रकार से है। अमोना पंचायत के मुस्लिम नट समुदाय से ये जानकारी मिली कि नट जाति बनकर रहने में समाज में हमें बराबरी की दर्जा नहीं मिलती, दूसरे जाति के लोग मुझसे नफरत करते हैं, मजदूरी पर भी रखना नहीं चाहते, अगर रखते भी हैं तो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, दूसरे मजदूर की तुलना में हमें कम मजदूरी मिलती है। स्कूल में नट समुदाय के बच्चों के साथ शिक्षक भेदभाव करते हैं, उन्हें पीछे के बेंच पे देते बैठने के लिए। अगर नीचे क्लास के बच्चे हो जिसे गरीब बिठाती हैं तो हमारे बच्चे के जो पीछे देते बैठने के लिए हमारे बच्चे के जाते जाते वो दरी दरी खत्म हो जाती है, उसे जमीन में बैठ के पढ़ना पड़ता है और नट समुदाय के बच्चे कोई दोस्त नहीं बनती। स्कूल की जो भी साफ सफाई होती है, कचरा वगैरह होते हैं वो हमारे समुदाय के बच्चों से करवाते हैं, जबकि पढ़ाई का जो ज्यादातर ध्यान होता है वो दूसरे वर्ग के बच्चों के लिए।
लिए होता है। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमारे बच्चे भाग नहीं ले सकते। अगर हमारी जो लड़की है अगर वो जैसे भी कैसे अगर बचपन में पढ़ ली है, अगर 8th क्लास 7th क्लास के बाद वो पढ़नी जा रही है, तो अन्य कास्ट के जो भी लड़का है उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते, बोलते हैं तुम पढ़ लिख के करो कि आगे तो जाना है मुझे देवे पढ़ दी, और इस तरह के ना जाने कौन कौन सा लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि मुझे भी उतना नहीं पता। वहाँ के लोगों ने जो मुझे बताया वो मैं आप लोग को बोल रही हूँ। इन सब समस्या के उनके पास इतने सुनने के इतने कहने के बाद वही ना आदमी बोलता है कि दीदी आप भी बोलो, जहाँ इतना होता हो क्या आप मेरे समुदाय में रह सकती हो, क्या आपको कोई इतना दिलत करेगा, क्या आप समुदाय का अपना सकती हो। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली, फिर मैं उनसे बोली अगर आप लोगों ने जाति चेंज कर लिया ये जाति चेंज करने का क्या फायदे हुए आप लोगों को। उन्होंने बताया और मैं देखी भी कि जाति चेंज करने के बाद हमें जो अपने समाज में मान सम्मान मिल रहे हैं, हम लोग अब शेख बन गए, हम लोग नट नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के 80% बच्चे स्कूल जाते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई भी कि वहाँ टीचर भी है, ग्रुप भी चलाती है, कितनी लड़की बी ए में पढ़ रही है। और जो ये जाति चेंज हुआ ये काफी पहले दिन की बात नहीं, जो नया जनरेशन शुरू हुआ अभी जो यंग है 22-23 साल का, ये लोग के बीच हुआ है। पर कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता। अमोना पंचायत के घर में 10% घर में अभी अभी नया नया चेंज हुआ है, तो जो शेख जाति है पैखान है, जो बड़े जाति आते हैं मुस्लिम कास्ट में, उनके घर से अब रिश्ता भी आने लगे, जिससे इसके घर से बाहर आना जाना बड़े आदमी के साथ उठना बैठना इसका होने लगा। इनके साथ अब कोई जाति भेदभाव नहीं होते हैं। पहले जैसे किसी के यहाँ से शादी का कार्ड आता था, ये खाना खाने जाते थे, इनके लिए अलग, क्योंकि ये मजदूर है, ये छोटा जाति का है, इसके लिए अलग से खाना बनता था खाने के लिए, और सबसे लास्ट में इसको खिलाते थे। और वहां पे जो साफ सफाई होता है इसकी जिम्मेदारी होता था, इस पैसा नहीं मिले उससे मतलब नहीं है, पर तुम साफ करो क्योंकि तुम मेरा मजदूर हो। पर अब इसे इसके साथ वैसा नहीं होता, ये साथ में बैठकर खाते हैं, क्योंकि ये तो अब सेफ बन गया है ना। इसलिए इतना कुछ करने के बाद मैंने फील्ड विजिट करी और मैं खुद सोची, जो मेरा निष्कर्ष निकला है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी अच्छा ही किया जाति चेंज करके, क्योंकि जाति चेंज करने के बाद इतना बड़ा बदलाव है कि 80% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें मान सम्मान मिल रहा है, पर फिर भी हम इस मान सम्मान को पाने के लिए किसी बड़े आदमी के डर से उनके नजर में हम अच्छे बनने के लिए हम अपने अतीत को क्यों भूल जाए। जहां 3000 की आबादी मिल करके एक साथ जाति चेंज कर सकता है, कि उनके पास इतना एकता है कि वो एक साथ जाति चेंज कर दिया, उस 3000 की आबादी मिल करके दूसरे कास्ट के जो लोग हैं उनके उनको अपने पट नजरिया भी तो बदल सकते हैं ना। तो पर ये लोग ऐसा नहीं किया, इस लोगों ने जाति चेंज कर लिया। अगर मुझे अगर फिर से स्टडी करने का मौका मिला, अभी तो मैंने मुझे पेपर लिखने भी नहीं आते थे, सब लोग से मैंने लिख ली और मैं इतना तक करी हूँ। अगर मुझे अगर आगे मौका मिला स्टडी करने का, तो वो उसने जाति चेंज कैसे किया उस टाइम का जो हुआ होगा कि एक एक करके किया या ग्रुप में बैठा भी किया, अचानक 3000 आदमी एक साथ ऐसे निर्णय लेकर हमें जाति से बनना है, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये जानने की कोशिश करूंगी।